ये देख सकते हो मेरा S2 का हालत, उधर पे जाके टूट गया है। इसी का प्राइस क्या है? ये साइकिल भी ऐसे चला भी सकते हो ना। चलते हो भैया। 1, 2, 3। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोहन ब्लॉग। आ गए मैं और एक नए ब्लॉग के साथ, और आज होने वाला है मज़ा वाला ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ सिलचर पे। सिलचर थोड़ा ही बाकी है पहुँचने का, आ चुका हूँ। सामने मेरे को मिलने वाला है एनडी कॉलोनी, उसी के बाद शुरू होगा सिलचर वाला ब्लॉग। मज़ा आने वाला है। और मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अगला वाला ब्लॉग जब मैंने डाला था उसी के बाद से मेरे को आ गया था बुखार। चलो कुछ बात नहीं, आज तो होने वाला ही मज़ा वाला ब्लॉग। ब्लॉग शुरू करते टाइमिंग मेरा हो गया पसीना पसीना, बुखार तो एकदम से गायब होने वाला है आज का। मेरा S2 का तो हालत बहुत ही ख़राब है, आप लोग को तो पता ही है। आज मैं जा रहा हूँ S2 को ठीक करवाने, और भी हालत मैंने ख़राब कर दिया। ये देखो तो इसी साइड का है और इसी साइड का नहीं है, इसलिए मैंने ब्रेक का जुगाड़ इधर पे लगा दिया। राइट हैंड से तो ब्रेक लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये देखो तो राइट हैंड का ब्रेक है, लेफ्ट वाला तो बहुत ही मेहनत करके लगाना पड़ता है, और सिलचर पे इतना ट्रैफिक है भाई, वैसे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। और चलो चलते, जितना जा सकता हूँ उतना ही चलो। बहुत ही मस्त ट्रैफिक लगा के रख दिया, क्योंकि सामने रेलवे स्टेशन है ना, इसीलिए इधर पे बहुत ही ट्रैफिक रहता है। या एक स्टॉप पे पूछता हूँ उनको, ये मिलता है क्या पहले को, ये रिश्तों इधर से भैया ये चीज़ मिल जाएगा। ये क्या हुआ, ये निकल रहा है ना? नहीं मिलेगा। हाँ, कितना पड़ेगा प्राइस? नहीं, बहुत पहले आपके शॉप पे आया था ना साइकिल ठीक करवाने, इसलिए। चलो अंकल को, अंकल ये चीज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं है, चलो ठीक बात है, अंकल का शॉप पे नहीं है फिलहाल, तो इधर पे नहीं मिला, और भी ढूंढना पड़ेगा। ये देख सकते हो मेरा S2 का हालत, उधर पे जाके टूट गया है, और किसी को तो पहले ठीक करवाना पड़ेगा। और ये कैसा रहता है मेरे को भी नहीं पता। ओ भाई साहब, यही अच्छा है जो कहीं पे रास्ते पे नहीं हुआ, यही बात अच्छा है। सामने इधर तक तो मैं जैसे करके भी आ गया, भैया को पूछता हूँ होता है क्या। ओ भैया इधर आओ ना एक बार, अचानक खुल गया ना, चल रहा है मैं रुका रास्ते पे और ये खुल गया अचानक, कैसा खोला मेरे को भी नहीं पता। ओ भैया तो ठीक कर रहे फिलहाल, मेरे को भी नहीं पता कैसा खुल गया भाई। कहाँ जाना है अभी? तो ये वाला जो उसी का 11 का वो खरीदना है मेरे को। कहाँ से आ रहे? मैं तो जालतला। कुछ बात नहीं, काफी दूर है ना ये। हाँ थैंक यू भैया, सही टाइम पे ठीक करते देने के लिए। चलो भैया चलते, चलो चलते, तो ठीक हो गया। चलो कुछ बात, मैं और एक शॉप पे आ चुका हूँ, उन्हीं को भी पूछते हैं। अंकल ये चीज़ मिल जाएगा?
नहीं होगा, अगल बगल नहीं है। हाँ चलो इधर तो भी नहीं है, नेक्स्ट जगह पर चलते हैं। ओ अंकल ये चीज़ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं है अभी, नहीं मिल रहा है। अच्छा चलो पैसा अभी तो नहीं है, चलो और दूसरे जगह पे जाके देखते हैं। चलो कुछ बात नहीं, इधर से ये रास्ता चले तो उसी को पूछ ही लेता हूँ। अंकल हाँ बोलिए, ये चीज़ मिलेगा साइकिल का है क्या? हाँ हाँ थोड़ा रुकिए, वो बच्चा पढ़ने के लिए। अच्छा चलो ये देख सुनो भाई साहब, पूरा इधर पे तो सभी चीज़ अवेलेबल मिलता है, क्योंकि ये तो होलसेल वाला दुकान है ना? नहीं पहले एक बार आया था मैं इसलिए। अच्छा चलो सही, फिलहाल एस टू को इधर पे ही पार्क करके रख दिया, इसको नीचे गए एस टू। अंकल ये चीज़ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अच्छा और शॉप है क्या आप लोग का? अंकल ने तो बोला है इधर से जाके। अच्छा कौन सा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, इधर पे भी आ चुका हूँ, इधर पे जाके पूछते हैं। अंकल ये चीज़ मिल जाएगा? मिल जाएगा गली में, तो आगे गली में ना हमारा दुकान है, इसलिए मैं बोल लेकर हूँ सेकंड गली पे ना। चलो सही है, इधर पे देख तो भाई साहब कितना मोटा टायर वाला साइकिल है, उसी शॉप पे आज का और किधर गया। अंकल ये वाला चीज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो पहले को होलसेल वाला दुकान पे तो नहीं है, बोला आप लोग का इधर पे ही है। ऑनलाइन में मंगा लो ना। नहीं तभी ऑनलाइन से तो ऐसे दुकान से देख के खरीदने से तो अच्छा मिलेगा ना, कोई बात है मेरा फ़ोन का जो कवर लेना तो इधर पे आया भाई साहब, इधर पे देख तो जर्मन शिप का ही होगा शायद, मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है। लिया कवर और चलो चलते हैं। ये रिश्तों होटल भाई साहब इतना अंदर पे कौन समझ सकता है, इतना अंदर पे दुकान है। चलो कुछ बात नहीं, और एस टू को मैंने बाहर पे रख के गया था, तो चलो चलते हैं। भैया ये वाला मिल जाएगा क्या, गियर वाला साइकिल का? इधर ये वाला गियर वाला फिलहाल भैया तो बोल रहे थे ऊपर पे जाके देख सकता हूँ। चलो कुछ बात नहीं, ये देखो जिम का भी सब कुछ मिल जाएगा भैया, इधर पे जिम का भी सब कुछ मिलता है ना। दिखाओ पीछे का 7 स्पीड जैसे रहेगा और सामने का 3 स्पीड आएगा। हमारा जो साइकिल है इसमें लगाने से अच्छा साइकिल ले लो ना। अच्छा नहीं है ना, और इधर पे हेलमेट वगैरह भी सब कुछ मिल जाता है। ओ भाई साहब ये तो ये हैंडल भैया, इसी का प्राइस कितना पड़ेगा? 1600 ना, ये वाला आ गया 2400 आएगा। लाइट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा।
ये तो नियन कलर पे शेड हुआ है, सब कलर सब मिले। ये सब इलेक्ट्रिक साइकिल है। कौन सा? ये वाला इलेक्ट्रिक। ओ इधर पे जो रखा हुआ है इधर तक और सबसे कम प्राइस वाला 28 से ही शुरू होता है। इलेक्ट्रिक जितना भी है इससे स्टार्टिंग है, और नॉर्मल आपको स्टार्टिंग ये वाला होगा, ये वाला जो रेंज है। ये वाला कितना? 8300। डबल डिक्स होगा, ये वाला 15,000 के आसपास आएगा। 15,000। और इधर पे बच्चों लोग का भी सब कुछ मिल जाता है। और इलेक्ट्रिक पे सबसे ज़्यादा प्राइस वाला ये वाला ना, वो नीचे है महंगा वाला, और फायर बॉक्स का ये वाला है 60,000 होगा। ये वाला इलेक्ट्रिक 60,000। ओ भाई साहब, नॉर्मल भी अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो ये वाला मिल जाएगा, यूनाइटेड का मिलेगा और स्पोर्ट का मिल जाएगा। ये वाला भी मिल जाएगा यूनाइटेड का 69,000। ये वाला तो मुझे का नहीं इसका ना भाई साहब। चलो सही है। ये वाला चलाने में कुछ दिक्कत नहीं होगा क्या? वाला बच्चे का टायर चलो हल्का है, देख के तो इतना बड़ा लगता है, पूरा स्कूटी जैसा टायर है। पैसा भी इधर तो इतना सारा साइकिल लगा हुआ है, ले सकते हो इधर पे आके आप लोग। इधर पे देख दो साइकिल पे जो बैग लगाते हैं ना। ओ भैया इसी का प्राइस कितना पड़ता है? इस पर लिखा 1200 रुपये ना। ये भी साइकिल पे लगाते हैं छोटा छोटा। इधर पे देख सो ताला वगैरह सब कुछ तो मिल जाएगा, प्रो बाइक का मिल जाएगा। ये इतना वजन क्यों होता है? इसके अंदर जीएल है, इसमें ये कोई दबता नहीं है। फोम वाला कुछ दिन बाद ये 600 रुपये का दो दिन बाद दब जाता है, और ये इसके अंदर जीएल रहता है इसलिए दबता नहीं है। महंगा ज़्यादा है और क्वालिटी भी इतना अच्छा है। चलो कुछ नहीं, और इधर पे जो साइकिल का जो ग्लव्स है सब कुछ मिल जाता है ना। चलो कुछ बात नहीं। और ऊपर पे क्या है भैया? जिम का सामान। अच्छा चलो। और इधर पे देख तो वो साइकिल का जो स्विच है ऐसा, और दुकान भी नहीं देखा मैंने, रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ। और इधर पे आके आप लोग साइकिल ले सकते हो, साइकिल रिपेयर भी कर सकते हो। अच्छा 11 वाला इसी का प्राइस है। ये साइकिल भी ऐसे ही चला भी सकते हो ना। स्कूटी चलता है हाँ, और चार्ज खत्म होने से साइकिल भी चला सकते हो। सब कुछ फोल्ड हो जाएगा, जैसे स्टार्टिंग है फोल्ड करके गाड़ी में घुसा के लेके जा सकते हो। ये वाला भी फोल्ड हो जाता है। ओ भाई ये फोल्ड हो जाता है, और इधर से ये फोल्ड हो जाएगा इधर से। हाँ, इसका प्राइस कितना आता है भैया? 50,000। ओ सही है सही है। ये तो फोल्ड नहीं होता है ना? फोल्ड ये फोल्डेबल नहीं है, और अच्छा क्वालिटी का है। ओ भाई देखा आपने, 60,000 वाला साइकिल लेना है, लेने से इधर इधर पे आके ले सकते हो। ये चार्ज कैसे करते हैं भैया? चार्ज करने के लिए इधर बैठा दीजिए, इधर ये खोल के नहीं घर में भी दे सकते हो। ये वाला साइकिल जो कम दाम में है वाला खुलता नहीं है, ये वाला खुल जाएगा खुल के इधर से। ये वाटर प्रूफ होता है क्या?
360 होता है पूरा फुल वाटर जूरी। अच्छा नॉर्मल मतलब पूरा जरा बारिश होने से बिल्कुल नहीं थोड़ा। चलो कुछ बात नहीं, चलो सही है भैया, चलते भैया। ओ भाई इधर पे जो जो आप लोगों को मन करे साइकिल ले सकते हो, वो इतना प्राइस है ना भाई। चलो कुछ नहीं, मेरे लिए कम भी रख सकते हैं। हमारे सिलचर पे ना ऐसा कोई शॉप ही नहीं है जो इधर पे ऐसा तो शॉप मैंने देखा भी नहीं आज तक सिलचर पे। आज मेरे को मौका मिला है देखने का। चलो कुछ बात नहीं, मैं जो राइड पे जाने के पहले मैं इधर पे आके ऐसे ही हेलमेट वगैरह और ब्रेक वगैरह सब कुछ ठीक करवाने वाला हूँ। चलो सही है, ऑनलाइन से ही मंगवाना पड़ेगा, फिलहाल तो इतना पैसा नहीं है। ऑनलाइन से देखा है दूसरे ब्रांड का 400 ऐसा ही होगा। जाके पूरा सिलचर तो पूरा ढूंढ लिया मैंने, मेरे को तो जो चीज़ खरीदना था वो चीज़ नहीं मिला। एक चीज़ मैं लेके आया सिलचर से भाई, खाली हाथ तो नहीं आया, फोन का जो बैक कवर है वही चीज़ खरीदा है मैंने। सही है, मस्त है। मैं घर पे जाके आप लोग को दिखाने वाला हूँ मेरा फ़ोन का बैक कवर भाई। अभी तो फ़ोन का लुक ये अलग जैसा हो गया, टूटा फूटा नहीं दिखाई दे रहा है, मस्त भी लग रहा है मेरा फ़ोन देख के। H2 तो पहला जैसा रह गया, दो बज चुका है और मैं फिलहाल घर पे जा रहा हूँ, और घर पे जाके 3 बजे से मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है भाई। जितना स्पीड जा सकता हूँ उतना स्पीड ही करना चाहिए। तो मालूम नहीं है मेरा पेट पे एक साइड से थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, फिलहाल मैंने पानी पिया था ना इसलिए होगा। ये जो बाज़ार है मेरे पीछे अब रानीगंज के उसी साइड का बाज़ार है, ये रस्तों के साइड ही बैठता है ये वाला बाज़ार।